माँ जो है सरहद की रक्षक, एक देवी जो करती है वतन के रखवालों की रक्षा, जिनके तेज से कापी पाकिस्तानी फौज, बम वाली तनोट माता भारतीय सैनिकों की आस्था का केंद्र है। दैवीय शक्ति का प्रमाण माँ तनोट का ये मंदिर भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगीवाल पोस्ट पर हर सुबह इसी पूजा के साथ शुरू होती है। बीएसएफ के जवान तनोट माता के मंदिर में भजन गाते हैं और आरती करते हैं। ये सिलसिला 1965 की उस जंग के बाद से लगातार चला आ रहा है, जब मुट्ठी भर जवानों ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए थे। जब पाक सेना को पता चला, जब पास आई तो उनको पता चला कि जो हमारे सिपाही हैं, जो पाक हिंदुस्तान के बाहर सेना, वो इस मंदिर में है, तो उसने अपनी सेना को इस मंदिर में उनको क्षति, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, मारने के लिए जब भेजा, तो बोलते इतनी धूल भरी आंधी चलती थी कि कोई भी इस मंदिर के अंदर घुस नहीं पा रहा था, उनको दिखना ही बंद हो रहा था। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास है तनोट माता मंदिर, जो दुनिया भर में अपनी चमत्कारों के लिए जाना जाता है। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के फौजियों के लिए भी ये आस्था का केंद्र रहा है। युद्ध वाली देवी माता तनोट, जब 3000 बम हो गए बेअसर, देवी है सैनिकों की सुरक्षा कवच। राजस्थान में पाकिस्तान से लगी रेतीली सीमा, यहीं पर जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है तनोट माता का ये मंदिर, जो 1200 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। सन 828 ईस्वी में यहाँ प्रतिमा की स्थापना हुई। इस मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, जिन्हें सुनकर आप मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति को समझ पाएंगे। बात 1965 की है, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। सालों पहले जैसलमेर के माता तनोट मंदिर पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कई बम गिराए, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसमें से एक भी बम फटा नहीं। कहा जाता है कि ऐसा माता तनोट की कृपा से ही हुआ। एक अदृश्य ढाल की तरह माँ ने सबकी रक्षा की। माँ तनोट के तेज से पाकिस्तानी सेना ने मुंह की खाई। देवी के प्रकोप से पाक सेना को उल्टे पांव लौटना पड़ा था। मंदिर परिसर पर निशाना साध कर पाकिस्तान ने सैकड़ों बम दागे। युद्ध के बाद गिनती हुई तो पाया गया कि यहाँ करीब 3000 गोले दागे गए थे, लेकिन इनमें से एक में भी विस्फोट नहीं हुआ। तनोट माता की कृपा से किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। माँ की शक्ति के आगे सभी नतमस्तक थे। कहते हैं कि सजूबे को देखकर भारतीय सेना के जवान जोश से भर उठे। तनोट माता में उनकी आस्था विश्वास में बदल गई। तभी से ये मंदिर बम वाली माता के मंदिर के नाम से मशहूर हो गया और देवी के प्रति सीमा सुरक्षा बल के जवानों की आस्था और भी प्रगाढ़ हो गई। बाद में जब उनसे बात हुई डिफीट के बाद, तो उन्होंने बताया कि हम जहां भी गोले गिराने जाते उनके प्लेन्स, तो वहां उनको एक तालाब और एक बच्ची बैठी हुई दिखाई देती थी, और उनको कोई आर्मी इस्टेब्लिशमेंट कभी नज़र ही नहीं आया। बीएसएफ इस्टेब्लिशमेंट कभी, बीएसएफ तो थी नहीं उस वक्त, आर्मी और आरएसी थी, उनके इस्टेब्लिशमेंट कभी नज़र ही नहीं आया। तो बाद में उसको लगा कि मेरी तो सारी हार का कारण ये माता ही रही हैं, तो ऐसी चमत्कारिक माता के मैं दर्शन करूं। तो उसके करीब उन्होंने परमिशन के लिए लिखा, क्योंकि दुश्मन देश का ब्रिगेडियर कैसे आ जाएगा, तो परमिशन उनको 2.5 साल बाद मिली, और 2.5 साल बाद उन्होंने आके दर्शन किए और एक चांदी का छत्र माता के चढ़ाया। वो छत्र आज भी म्यूजियम में है। आज भी उनकी आस्था इस पोस्ट पर तैनात बीएसएफ के जवानों में जोश भर देती है। मंदिर के पास पाकिस्तानी बमों को आज भी साबुत हालत में नुमाइश के लिए रखा गया है। यहाँ कुछ चुनिंदा बम रखे हैं, बाकी बमों की सिर्फ तस्वीरें हैं। बमों को भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के एक संग्रहालय में रखा गया है। जब वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने इस सीमा से अटैक किया, और उनकी जो ब्रिगेड थी जो कि बढ़ रही थी भारत की तरफ, उसके ब्रिगेडियर थे शाहनवाज खान। उनका ये कहना था कि मेरा जो है ब्रेकफास्ट तनोट में होगा,
लंच जैसलमेर में होगा और डिनर मेरा जोधपुर में होगा। तो इन मंसूबों के साथ वो आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने तनोट माता का जो मंदिर है उस एरिया में, जहाँ पे हमारी एक जय सिंह जी के नेतृत्व में कंपनी तैनात थी 13th ग्रेनेडियर की कंपनी जय सिंह जी के नेतृत्व में तैनात थी, उस पर उन्होंने भारी बमबारी की। अपने टैंक से भी हुई और बेसिकली एयर बॉम्बिंग उसमें ज़्यादा हुई और करीब 3,000 गोले वहाँ पे गिरे, बॉम्ब्स गिरे। लेकिन ये माता का चमत्कार रहा कि उन 3,000 में से एक भी या तो वो कैंपस के बाहर फटे और जो कैंपस में गिरे वो फटे नहीं। तो आज भी लगभग 300-400 इस तरह के बॉम्ब्स बिना फटे हुए वहाँ पे पड़े हैं, जो कि बाद में म्यूजियम इस्टेब्लिश हुआ तो वहाँ पे पड़ा इस्टेब्लिश किए गए। 1965 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बल ने यहाँ अपनी चौकी स्थापित कर इस मंदिर की पूजा अर्चना और व्यवस्था का कार्यभार संभाला। पाक सेना के अधिकारी शहनवाज खान ने युद्ध समाप्ति के बाद भारत सरकार से माता के दर्शन की इजाजत मांगी थी। करीबन 2.5 साल बाद इजाजत मिलने पर शहनवाज खान ने माता के दर्शन कर यहाँ छत्र चढ़ाया। यहाँ एक विजय स्तंभ भी बनवाया गया है। ये स्तंभ भारतीय सैनिकों की वीरता की याद दिलाता है। मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना की जाती है। देश भर से श्रद्धालु नतमस्तक होते माँ के दर पर पहुँचते हैं।